भारत और मालदीव के बीच लक्षद्वीप को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं और रिश्तों में खटास आ गई है। वहीं दोनों देशों के रिश्ते में चल रहे तनाव के बीच मालदीव सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। मालदीव सरकार ने तुर्की के साथ एक बड़ा सुरक्षा करार किया है। मालदीव ने तुर्की के साथ यह करार तब किया है जब उसने भारत से कहा है कि वह अपने नवासी सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुला ले। इसके लिए मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक का समय दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीदने को लेकर तुर्की के साथ एक बड़ी डील की है। अब मालदीव तुर्की के साथ यह संयुक्त गश्त किया करेगा। अभी तक मालदीव और भारत हिंद महासागर में इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से गश्त किया करते थे। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माले ने तुर्की की कंपनी के साथ मिलिट्री ड्रोन्स को खरीदने के लिए MOU साइन किया है। इसके जरिए मालदीव अपने जल क्षेत्र की निगरानी करेगा। इसके लिए मालदीव अपने नेशनल डिफेंस फोर्स को $37 मिलियन की रकम भी दे चुका है। 2008 से 2013 तक मोहम्मद नशीद के राष्ट्रपति रहने के दौरान और फिर 2018 से 2023 तक इब्राहिम मोहम्मद सोलीह के कार्यकाल के दौरान माले के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन 2013 से 2018 तक अब्दुल्ला यामीन, जो चीन समर्थक भी थे, उन्होंने मालदीव पर शासन किया और उनका रुख भारत विरोधी रहा। 2018 में जब यामीन की जगह सोलीह ही मालदीव के राष्ट्रपति बने तो भारतीय नौसेना ने मालदीव की सेना के साथ मालदीव के विशेष आर्थिक जल की निगरानी के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत सुमेधा को तैनात किया और इसी मकसद से भारतीय नौसेना के विशिष्ट समुद्री कमांडो मालदीव की सेना को युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए मालदीव गए थे। हालांकि मोहम्मद मुइजू के सत्ता संभालने के बाद अब समीकरण बदल गए हैं, जो इंडिया आउट अभियान के मुद्दे पर ही सत्ता में आए हैं। नवंबर 2023 में सत्ता संभालने वाले मुइजू अब तक दो विशेष यात्राएं कर चुके हैं। पहले वे तुर्की गए और अब चीन। पिछले हफ्ते उनकी 5 दिवसीय चीन यात्रा जब हुई तो इसे नई दिल्ली की उपेक्षा के रूप में देखा गया था, क्योंकि अब तक परंपरा यह रही थी कि मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष हमेशा बीजिंग से पहले भारत का दौरा करते थे। चीन से लौटने के बाद मुइजू ने भारत के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना लिए और अब वे तुर्की के साथ यह समझौता करके उकसाऊ कदम उठा चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।